अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने डिस्कस करना है मिड फार्मूले को 9.3 का क्वेश्चन नंबर वन। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्टेंस फार्मूले को डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने डिस्कस करना है जी मिड फार्मूले को। यार मिड फार्मूला क्या होता है, देखिएगा मिड फार्मूला हमारे पास ये होता है कि आपके पास कोई भी ऑर्डर पेयर हैं, ठीक है, और हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू है जी, चलो हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास 7 है, ये हमारे पास 4 है, और एक और ऑर्डर पेयर हम लेट कर लेते हैं, ये 4 है और ये 9 है। तो इसमें पहली वैल्यू जो होती है ये एक्स होती है, दूसरी वाई होती है, पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वैल्यू वाई होती है, ये तो पता है आपको। ये 1 1 होता है और ये वैल्यू हमारे पास 2 2 होती है। तो भाई मिड फार्मूला कौन सा होता है, देखिएगा मिड फार्मूला हमारे पास होता है x1 + x2/2 कॉमा, दरमियान में कोई साइन नहीं है, y1 + y2/2 ठीक। सो मिड फार्मूला आप कहेंगे मिड फार्मूला या मिड पॉइंट, x1 हमारे पास कौन है जी, वहाँ पे देखें 7 है, x2 हमारे पास कौन है 4 है बाय 2, y1 + y2 तो y1 हमारे पास यहाँ पे कौन है, y1 देखें, y1 हमारे पास 4 है, y2 हमारे पास कौन है 9 है बाय 2, तो ये 7 + 4 हमारे पास 11 आ गया बाय 2, 9 + 4 हमारे पास 13 आ गया बाय 2, दिल करें इसको डिवाइड कर दें ये हमारे पास 5.5 आ जाएगा, ये हमारे पास 6.5 आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 2 करें तो एंड पे आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि रिमाइंडर ऑफ x, y इज इक्वल टू रिमाइंडर, क्योंकि ये बाकी बच गया है ना, एक्स का रिमाइंडर जो है हमारे पास ये आ गया, वाई का रिमाइंडर जो है हमारे पास ये आ गया, तो ये आप एंड पे लिखेंगे कि रिमाइंडर ऑफ x, y इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया 5.5 और 6.5। ये जी हमारे पास मिड फार्मूला था, और अगेन इसको देख ले, मिड फार्मूला हमारे पास होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये जी आप लोगों का 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो आप लोगों ने करना है, और जी इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और इसका MCQs भी आता है, और फिर मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूले का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और MCQs भी आता है। तो डिस्टेंस और मिड फार्मूले का शॉर्ट और MCQs तो भाई मस्ट है, जो आप लोगों का आता ही आता है, और आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। अच्छा जी 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में से ये मैंने एक सी पार्ट ले लिया है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास इतनी है, बी की वैल्यू हमारे पास इतनी है, अगेन मैं बता देता हूँ, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। भाई मिड फार्मूला जो होता है, मिड फार्मूला बराबर होता है किसके जी, x1 + x2/2 दरमियान में कॉमा, y1 + y2/2 ठीक है जी। सो डिस्टेंस फार्मूला x1 की वैल्यू हमारे पास -8 है, प्लस x2 हमारे पास देखें +6 है बाय 2 कॉमा, y1 की वैल्यू हमारे पास देखें ये 1 आ गई, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 1 है बाय 2, -8 में से +6 निकाल दें तो माइनस का 2/2 आ जाएगा, 1 + 1 हमारे पास 2/2 आ गया। अच्छा जी उसके बाद देखेंगे 2 का टेबल 2 पे ये 1 टाइम, तो ये -1 आ गया और ये 2 1 ज़ा 2, एंड पे मैंने क्या कहा है, क्या लिखिएगा, रिमाइंडर ऑफ x, y इज इक्वल टू इतना, x यानी पहली वैल्यू x की, y यानी ये दूसरी वैल्यू y की। तो ये है जी आप लोगों का मिड फार्मूला। अगेन मैं बताता चलूँ डिस्टेंस और मिड फार्मूले का, नाइन्थ वाले आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs आप लोगों का आता है, तो इसको निगलेक्ट मत करें। थर्ड लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके MCQs ठीक है जी, और इसकी डेफिनेशन वगैरह।